एक दिन एक आदमी तेजी से भाग रहा था। उनके हाथ में एक थैली था। उनके पीछे पुलिस पड़े थे। वो एक चोर था, नाम है किटू। वो दीवारों पर चढ़कर, छत पर चढ़कर बहुत तेजी से भागने लगा तो पुलिस उनके पीछे पड़ पड़ कर बहुत थकने लगे। उस गांव में गणेश चतुर्थी आया तो बस है, बहुत अच्छे से मनाते थे। बड़ा सा मंडप में एक बड़ा सा गणेश को लगाकर, एक बड़ा सा लड्डू लगाकर गणेश विसर्जन के दिन तक हर रोज भक्ति श्रद्धा से पूजा करते थे। ऐसे गणेश का विसर्जन के दिन उस लड्डू के लिए नीलामी होती थी। बहुत पैसे वाले उस नीलामी में भाग लेकर बहुत ज्यादा दाम पर उस लड्डू को खरीद कर बहुत खुश होते थे। किट्टू को बहुत अहंकार था, उसको कोई भी नहीं पकड़ सकेगा कहकर अति आत्मविश्वास था। इसलिए चोरी करने से पहले उस घर वालों को फोन करके उनसे कहकर चोरी करता था। एक दिन किट्टू पुलिस स्टेशन को फोन किया। क्यों ऐसे साहब, कैसे हैं आप? वाइन शॉप में सीज किया हुआ दारू का बॉटल सारे पूरे पुलिस स्टेशन में रखे हैं कहकर मुझे पता चला। मुझे शराब पीने का मन हो रहा है, मैं आकर उनको चोरी करता हूँ। अगर हिम्मत है तो रोक लो, पता है ना मैं कौन हूँ, किट्टू द ग्रेट रॉबर। कहा तब पुलिस वाले बहुत होशियार होकर पूरा पुलिस स्टेशन के चारों ओर रक्षा करने लगे। किट्टू एक कॉन्स्टेबल के बेश में पुलिस स्टेशन में जाकर वो नया ट्रांसफर होकर आया है कहकर ऐसे से कहा। ऐसे पुलिस वालों को उल्लू बनाकर दारू का बॉटल्स चुरा कर उधर से चला गया किट्टू। एक बार फिर से गणेश चतुर्थी आया। मंडप में बड़ा सा गणेश का मूर्ति को लगाकर उसके बाजू में एक बड़ा सा लड्डू को लगाए और लोग अच्छे से पूजा करने लगे। एक दिन किट्टू चमनलाल कहकर एक धनवान को फोन करके, क्यों चमनलाल, पैसे हमेशा तुम्हारे पास ही रहना है क्या? हमारे पास नहीं रहना है क्या? तुम्हारे घर में हीरे है कहकर मुझे पता है, वो मुझे चाहिए, मैं आ रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो रोक लो। कहा तब चमनलाल घबरा गया और पुलिस वालों को बुलाकर पूरा बात बताया। तब ऐसे, आप बिल्कुल घबराएगा नहीं चमनलाल जी, वो किट्टू कैसे चोरी करेगा हम देखते हैं, कहकर घर के चारों ओर पुलिस वालों को लगाया। तब किट्टू एक डिलीवरी बॉय की तरह जाकर कुछ डिलीवरी देना है कहकर उनके घर में घुस गया। उधर अलमारी में हीरों को चोरी कर रहा था, तभी चमनलाल उसको देखकर चोर चोर कहकर जोर से चिल्लाया, लेकिन किट्टू ने चमनलाल को धक्का देकर भागने लगा। पुलिस वाले भी उसके पीछे पड़े। वो दीवारों पर और छत पर चढ़कर भाग रहा था तो पुलिस वाले उनके पीछे करने लगे। लेकिन एक जगह पर किट्टू का पैर में मोच आया, उसको चलना बहुत मुश्किल हुआ। वो इधर उधर देखा तो उनको एक गणेश मंडप दिखाई दिया। वो तुरंत उधर जाकर उस बड़ा सा लड्डू में छुप गया। पुलिस उधर पूरा ढूंढ कर वो नहीं मिलने के वजह से चले गए। किट्टू लड्डू में से झुककर देखा तो उधर बहुत लोग आकर पूजा करने लगे। तब किट्टू, अगर अभी बाहर आया तो पकड़ा जाऊंगा, अंदर ही थोड़े देर रहकर समय देखकर भाग जाऊंगा, सोचा। लेकिन बहुत थकने के वजह से लड्डू के अंदर ही सो गया था किट्टू। सुबह उठकर देखा तो फिर से भक्त लोग पूजा करते हुए दिखाई दिए। इतने में गणेश विसर्जन के लिए लोग मूर्ति को उठाकर लेके गए। तब किट्टू यही सही समय है कहकर बाहर आने के लिए देखा तो उधर लड्डू को रक्षा करते हुए पुलिस लोग दिखाई दिए। तब किट्टू को क्या करना है पता नहीं चलकर सर पकड़ लिया। बाद में लड्डू का नीलामी हुआ। चमनलाल 5 लाख के लिए उस लड्डू को खरीदा। उसे एक ऑटो ट्रॉली में लगाकर घर लेकर गया। उधर उनका पत्नी और बच्चों को और उनका अनुगामियों को बुलाकर लड्डू को काटा। फिर उसमें से किट्टू बाहर आया। तब चमनलाल और उनका आदमी मिलकर किट्टू को पकड़कर खूब पीटे। ऐसा किट्टू जेल के अंदर चला गया।
जेल में किट्टू। हाय फ्रेंड्स, ये कहानी आपको अच्छी लगी है क्या? अगर अच्छी लगी तो लाइक करके, शेयर करके कमेंट भी कीजिए। और आप में कौन कौन खाते समय इस कहानी को देख रहे हैं वो बताइए। धन्यवाद।